वाहो वाहो का
गुरुमुख संगत सबे बिचारो बाहो बाहो कहो बड़ा सब विचार तो है जो दिश है हम बतारे किन चीते सब विचार किन चीते चीतन हारे कहोरे पंडित कहोरे पंडित अंबर काश्यो लगा सब विचार सब विचार कहो रे पंडित अंबर का शोला बुझे बुझे बुझन हाल सोभागा सब विचार बब्बे बाजी खेलन लागा जी जंत सब तेरा खेल सब विचार जी जंत सब तेरा खेल सब अपने खेल किया सब करते आपे खुद आप है आप उपाया खुद आप है आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया बब्बे बाजी खेलने लगा गर्दन को बजाए बाजी गर्दन को बजाए सब खलक तमाशे आए बाजी खेलने लगा खलक तमाशे आए जी जंत सब तेरा खेल बब्बे बाजी खेलन लगा चौपड़ चीते चार जुगा साढ़े विचार गोचरे क्योंकि बदकिस्मती है असी विचार दा पल्ला छड़ रहे हैं कर्म करदे चले जा रहे हैं
जीवन दे बहुत सारे खेत्र ने जिन्हां खेत्रां विचों राजनीति भी एक खेत्र है, आर्थिक बिजनेस व्यापार भी एक खेत्र है, परिवार भी एक खेत्र है, वक्र वक्रे खेत्र ने विभाग ने हर विभाग विचों असी गुजर रहे हैं। इस गल ने क्योंकि जीवन असी इन्हां तो विभागों तो वक्ख नहीं कर सकते, राजनीति नाल भी साढ़े जीवन की सांझ किसी भी देश में वसो उतों की राजनीति साढ़े ते इफेक्टिव है, उतों का संविधान उतों के कानून साढ़े ते लागू होंदे ने जिथे भी रहते। इसलिए राजनीति तो प्रभावित होना भी साधारण है, स्वाभाविक है साडा। ते रोजी कमाण लई असी कुछ ना कुछ करना है, इसलिए व्यापार बिजनेस वह भी साडा विभाग है, उस तो असी वक्ख नहीं हो सकते, कुछ तो सानू करना ही पड़ेगा, वो असी कर रहे हैं, हर देश में बैठे कर रहे हैं। किसी का रोजी कमाण का कोई तरीका है, किसी का कोई तरीका है, कर रहे हैं। तो एक ख्याल करो, धर्म साड़ी जिंदगी का जानिया अनजाणिया एक खेत्र है। सारे लोग धर्म जानते नहीं, पर धर्मी अखवाना चाहते हैं। हर कौम हर देश अंदर कोई ना कोई ऐसे नियम ने जिन्हों धर्म समझना, उन्हें धर्म विच लागू कर दिते ने, उन्हों का नाम धर्म रख लिया, वो भी वो अपने जीवन का हिस्सा बनाई बैठा। इनका मतलब असी जीवन विचों बहुत सारे विभागों नाल संबंध रखने हैं, पर आ गल जिहड़ी गुरु ने आख दिती है ना, ये जरा समझने, वो एक विचार असी विचार तो कोरे हो रहे हैं। राजनीति विच भी परेशान हाँ, बिजनेस विच भी फिक्रमंद हाँ, परिवारिक तौर पर भी असी खेरू खेरू हो रहे हैं, बहुते खुश प्रसन्न नहीं। धार्मिक तौर पर तो असी बिल्कुल ही कई बार असफल अपने आप को समझने, क्योंकि चौगिरदे जो कुछ वापर रहा है वो साड़ी जागृति का साड़ी चेतन का एक साधन है। असी जदों ध्यान देखने कहने असी इहो ही धर्म है, तो इत्थों मैं रुकना चाहना। असी चारे पिड़ावां विच चारे विभागों में फिक्रमंद हाँ, उनका कारण कारण कि असी किसी विभाग में भी विचार को शामिल नहीं किया। विचार कहते हैं खोज पछाण जानकारी एनालिसिस करना, हर हिस्से विच असी ये महसूस करने हैं कि जे असी राजनीति विच पैर धरने हैं तो सानू अपने आगुआं की पछाण कोई नहीं, जे असी बिजनेस व्यापार विच कदम धरने हैं तो सानू अपने गाहक की लोड़ हर एक चीज़ ते उनके अपने हालात उनकी पॉकेट की कहती है उस दे नाल साडा संबंध कोई नहीं। परिवारिक तौर पर तो असं आम देखने कि साडे बच्चों नाल ही साडे विचार नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते,
क्योंकि साढ़े विचार वक्रे वक्रे ने असं मिल बैठ के विचार नहीं कर ओ हक जिहड़ा सानू ए साढ़े बच्चों को असी देने लिए तैयार नहीं ओ हक जिहड़ा मैनू मैं अपनी पत्नी नू देने लिए तैयार नहीं ओ हक जिहड़ा मैनू है वह मैं अपने ब्रदर नू भरा नू देने लिए तैयार नहीं इसलिए उत्थे भी साडी विचार की घाट ही सानू आपस में बिखरा रही है ते धार्मिक तौर पर तो बिल्कुल ये लफज जिहड़ा साडे नेड़े भी नहीं टुकिया असी रोज़ जपजी साहब का पाठ करी जाने पर विचारते नहीं इन दे गल इतों विचार विचार गुरु ने क्यों आखिया सब विचारो एक साढ़े सामने सवाल खड़ा कर दिता है मैं सुभा गुरबाणी विचार दिता आप अब बैठे किसी सबजैक्ट में विचार लिए इतने लफज आए हैं गुरमुख संगत समय विचारो एक सवाल खड़ा कर दिता है धार्मिक तौर पर भी जोड़ा सा चौथा पड़ा है जिहड़ी साडी मजबूत ते आखरी मंजिल है उहदे विच भी साडे कोल विचार कोई नहीं रोज़ आसा दी वार सुन रहे हैं आसा दी वार की हुक्म करदे सानू कोई पता नहीं रोज़ हुक्मनामा सुन रहे हैं हुक्मनामा सुनन की चाहत है पर उहदे विच गुरु की हुक्म कर रहा है वह विचार की सानू लोड़ कोई नहीं ना कभी विचार लिया मैं अज ही आखा अनेक वीर ने हुक्मनामा सुनिया ही होगा किसी को पता भी उस हुक्मनामे में की वचन किया गुरु ने हालांकि सतगुरु एक गल आखते जो गुर कहे जी गल गुरु आखे उन मन लें जे मनन वाले को पता ही ना हो गुरु ने क्या की है मनेगा कि लो इस गल तो असि कोहरे हो रहे हैं गुरु आख रहे हैं जो गुर कहे सोई पल हुकमत हुकुम चुकाई है गुर कहे गुर कहे साकार कवाओ गुरु दुआरे होए कह सतगुरु करनी यह कर गुरु दुआरे हो के साहिब समान हो पर रोज़ बाणी पढ़ने वाले रोज़ गुरुद्वारे आने वाले गुरु बख्शिश करे मैं उलंबा नहीं दिता पर विचार का केंद्र है अस बैठे गुरबाणी इतने आने का मकसद ही है साडा विचार विचारना बहुत जरूरी है हूँ इतने एक बड़ा साझा जहा सवाल किया है बाकी गल्लां छड़ दे अज आप केवल उस एक सवाल नूं अपने विचार का केंद्र बनाइए गुरु ने आखिया गुरमुख संगत सवै
दिया खेल दिया खेल बड़ मेल तुम्हारा वहां गुरु तेरी सब रचना बब्बर बारी खेल मिलागा चौपड़ की ते चार जुगा खेल के बाकी गल्ला फिर करें जरा मैं ऐसी चीज दी विचार तेरे सामने रख रहे हैं तैनू भी इनवॉल्व कर रहे हैं जिंदे नाल तू पहला ही शामिल है किसी होर की गल नहीं तू अपनी गल समझनी है विचारनी है वो है खेल तमाशा खेल ते खेल भी हो जिंदे विच तू भी शामिल है क्योंकि मेरे मालिक ने बड़ी खूबसूरत एक खेल रची है खेल रची है एक तमाशा बनाया है जिसनू असी संसार आखने हैं दुनिया आखने हैं कुदरत आखने हैं आपने तो कही सी तुद आपे आप उपाया पहला तू अपने आप को पैदा किया है मेरे रब आप सदी वाल भी पढ़ने आप ही ने आप साजे हो आप ही ने रचे हो ना हो तो उस तो बाद दूजी के लफज वरतने हैं दूजी का मतलब उस तो बाद दूजी चीज कही लफज ने आप ही ने आप साजे हो आप ही ने रचे हो ना हो दूजी कुदरत साजी है दूजी तू कुदरत बना देती संसार बना देता इस लाइन विच तुक विच भी यो लफज ने तुद आपे आप उपाया तू अपने आप तो आप पैदा होया ते दूजा लफज की है दूजा खेल तर दिखलाया दूजी तू एक खेड बनाई अपने कुदरत ते खेल भी इन्नी वड्डी बनाई जिंदे विच असी तुसी सारा संसार जी जगत जिन्ने ब्रह्मांड विच जीव ने सारे उस तेरी खेड दियां नर्दां सार ने सार नर्द पाते चौपड़ दी खेल वांगू शतरंज दी चौपड़ दी खेड वांगू तू चारे जोग जड़े ने उन्हां नू चौपड़ बना ले लिया गुरबाणी दे लफ़ज़ ने मैं तुहाडे नाल साझे कर लिया बब्बे बाजी खेलन लगा जदों तू खेल शुरू कीती चौपड़ कीते चार जुगला ये चारे जुग तू मानो एक चौपड़ बना लै अपनी खेल विच ते जी जंत असी तुसी उसे खेल का हिस्सा हो गए ना कह लगे जीव जंत सब सारी कीते जिन्ने जीव जंत ने सारा तू नर्दा बना लिया ते नर्दा खिलाड़ी चलता है अपने आप नहीं चलदियां दा उहदा चलता है पासा वह टलता है गुरबाणी दे एक एग्जाम्पल खूबसूरत एग्जाम्पल जिहड़ी समझण वाली शतरंज की बाजी विच पासा टालन वाला गीटियां सुट्टन वाला वो खिलाड़ी हुंदा है नर्दा अपने आप नहीं चलदियां वो उस खिलाड़ी दे खेड तो पासा टालन तो बाद जिवें वो चलांदा है उवें चलदियां ने साडी तुहाडी हालत इहो है गुरु ने बाणी विच आखिया कहन लगे
सारी कीते सारी नर्दा बना देती है जी जंत सब सारी कीते पासा टालन आप लगा खिलाड़ी जरा रुकना एक गल जी थोड़े तो साझी करना चाहना जी विचार वाली है कि खेल ते खिलाड़ी दोनों विच अंतर होंगे ना ते असे तुसीं सारे समझने प्ले ते प्लेयर दोनों विच फर्क है प्ले होर चीज है प्लेयर होर चीज है खेल होर चीज है खिलाड़ी होर चीज है भावे दोनों का रिश्ता अटूट है कुदरत ते कादर का रिश्ता अटूट है वक्त नहीं जिते खेड ही ना हो खिलाड़ी की की वैल्यू दोनों का रिश्ता है दोनों का संबंध है कुदरत ते कादर का संबंध है इसलिए कुदरत तो कादर वक्त नहीं पर वक्त है पछाण दोनों की वक्त है लो आ जिहड़ी पछाण है ना वह असी विचार ली हालांकि खिलाड़ी ते खेल जिहड़े दोनों का आपसी है तो संबंध है खिलाड़ी का पता ही उदों लगता है जो कोई खेल वेखता है अज के समय अंदर तो गेमां की बड़ी इंपॉर्टेंस है करोड़ा रुपया सरकारां दा गेमां ते लग रहा है खेडां ते लग रहा है ओलंपिक वर्गियां बड़िया वड्डिया वड्डिया गेमां दे मैदान लगे गए गेमां दे साधन बना दिते गए उत्थे की हुंदा खेड ही तो हुंदी खेल कोई खेलदा ते जेड़े शौकीन ने खेड वेखण दे सारा सारा दिन कारोबार छड्ड के भी खेड वेखदे रहिंदे ने ते खेड वेख वेख के जिन्ना कोई उस खेड का शौकीन हुंदा है उन्ना ही वो खिलाड़ी नाल जुड़ जाता है कभी भी मैं थोड़े सामने एग्जाम्पल दे रहा जिन्ना कोई खेड का शौकीन हुंदा है ना उन्ना फिर हौली हौली खिलाड़ी नाल जुड़ जाता है वेखदा भी इनकी खेड खेडन का तरीका किड्डा खूबसूरत है वो खिलाड़ी की पछाण कर लैंदा है भी वो मैदान में ग्राउंड में आवे ही तो आंदा कहता जी फलाना खिलाड़ी आ गया हूँ ये टीम जितेगी क्यों क्योंकि खिलाड़ी को पहचान गया खेड वेख वेख के एक चीज दूजी एक चीज खेडी खेड गई है पर कभी तुम वेख्या अवार्ड जोड़ा दिता जाता है सन्मान जोड़ा दिता जाता है वो खेड नहीं खिडारी आए विचार असी आम जीवन में एग्जाम्पल है कोई गल समझिए तो छेती पल्ले पै जाती वेखन वाले खिडारी ने वेखन वाले शौकीन ने दर्शक ने खेड नाल वेख वेख के वेख वेख के खिडारी नूं पछाण लिया ते जिन्हें सन्मान करना है जिन्हें अवार्ड देना है उन्हें खेड नूं नहीं कदे वेख्या रे किसने फुटबाल नूं हाकी नूं सन्मान दिता होवे सन्मान तां दिंदे ने जिन्हें हाकी खेडी है जिन्हें वालीबाल फुटबाल खेडिया उन्हूं सन्मान तो उन्हूं मिलदा है सन्मान खिडारी का बस हमें रोक जे
इस बाणी के मुताबिक अज असी ये गल समझ लीए कि सारा कुदरत सारा सारी कायनात रब की खेड है। आप चले इतों सा उनकी खेड है तो काई सी गुरमुख संगत सब संगत रूप में जुड़े हैं। आज विचार करके फैसला करके तुरना है गुरमुख संगत सब सतगुरु कहते कि हे मेरे मालिक तेरी रहमत होवे तां तैनू पछाणा तुम्हारी कृपा ते तुद पछाणा नहीं तो मैं रोज खेड वेखदा रहना खेड वैसे संसार विच तां रहना दुनिया मेरे सामने बनी है मेरे सामने जा रही है ते तेरी खेड की जिहड़ी महानता है वह भी मेरे सामने है। एक गल नहीं बड़िया गल रब रब की खेड में समझने वाली सतगुरु बाड़ी में आखिया कहते जिन किया माटी ते रतन कबीरा धूर सकेल के पुरिया बांधी दे। ऐसा खेल है कह लगे तिन करते एक खेल रचाया काया शरीर विच सब कुछ पाया गुरबाणी दे प्यार है कहते उस करते ने कैसी खेल रची है काया तो साढ़े को रहना शरीर तो साढ़े को रहना असी होर कितने तो पछाण करिए इस खेड की मालिक की खेड की तो भला मुश्किल हो गए सानू अपने आप तो ही खेड की पछाण कर लेनी चाहिए है कि जो कुछ साढ़े अंदर हो रहा है ये असी कर रहे हैं मैं गल की साढ़े अंदर जी उत बाबा जी सी एक दिन बैठे बैठे विचार कर कह लगे भी जो किसी खून की घाट होंगी है फिर नंबर लभदे फिरते हैं भी इस नंबर तो दबा खून मिले लहू मिले ब्लड मिले तो इन मदद मिल सकती तो कह लगे मेरा रब धन है असी रोटी पाने अंदर कणक पाने अंदर अंदर जाके खून भी बन जाता मिर्च भी बन जाती है पानी भी बन जाता अपने आप हो पता नहीं कैसी मशीनरी बना दी अपने आप बनी जाती कणक के बदले में बनी जाती खुराक के बदले में बनी जाती कह लगे कि साइंसदान इन्ने इन्ने बैठे ने एक जी मशीन क्यों नहीं बना देंगे भी खून की मंग करनी ना पवे पाठ करनी ना पवे अपने आप खून बन जाए लिया कणक पाओ तो खून बन जाए लहू बन जाए खेल तो पता तो लगेगा ना मालिक की खेल खेली है सतगुरु ने बाणी में आख्या तिन करते एक खेल रचाया ताया शरीर में सब कुछ पाया इस तन के अंदर मन बैठा है लुक के बैठा है किसी नहीं वेख्या मन के अंदर साढ़े विकार विचार सारे बैठे ने किसी नहीं वेखे बहरों असी तुम सजा सजा दुनिया अंदर भेखधारी बन बन पूजन योग बने बैठे हाँ अंदर साढ़े की है किसी पता ही नहीं कैसी खेल है तिन करते खेल रचाया काया शरीर विच सब कुछ पाया हुण देखिए इस गल नूं है कि जिसकी खेड महान है उन्हों वेख वेख के जे असी संसारिक तौर पर रोज गेम खेडा वेख वेख के खिलाड़ी की पछाण करने कर लें ना तो यह रोज़ दियाँ खेडा रब दियाँ वेख वेख के सानू रब की पछाण क्यों नहीं होंगी अजे तक नहीं असी पछाण साड़ा रौला ही यह कोई किसी तरह का रब बनाई बैठा कोई किसी तरह का बनाई बैठा साढ़े चक्ती रब देना
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਟੱਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਡਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਲਓ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਨਮਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਭਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਆਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾ।
गेमां रोज़ वेखते खिलाड़ियों नूं रोग रोज़ पछाणदे ते खिलाड़ियों नूं सन्मान भी दिंदे उन्हां नाल तुहाडा रिश्ता भी जुड़ जांदा है ते उन्हां नूं देखदे देखदे थकदे भी नहीं क्योंकि पछाणदे जे कदी असी इस वड्डे खिडारी नूं पछाण लईए ते पछाणीए दुनिया दी संसार दी खेड नहीं अपने आप दी खेड विचों जिस दिन असी उहनूं पछाण लिया फिर विश्वास करियो साडा साडा धर्म करम साडा सारा मान सन्मान सिर झुकाना उस मालिक अगे हो जाएगा क्योंकि सारी खेड उस शब्द माता जा फतेह बुलाओ वाह।